बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिफार्मिंग। रिफार्मिंग में सबसे पहले हम देखते हैं नॉकिंग। व्हाट इज नॉकिंग? नॉकिंग जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं, जिसमें से वन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? गैसोलीन है। द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम इज जर्नी नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। और वो जो हमारे पास गैसोलीन हासिल होता है वो गुड क्वालिटी का नहीं होता। व्हेन इट बर्न इन ऑटोमोबाइल इंजन, कंबस्शन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर। आप बच्चों जानते हैं कि जैसे हम किसी भी गाड़ी के अंदर गैसोलीन डालते हैं तो वो गैसोलीन इंजन में जाकर बर्न होते हैं, इंजन में उसकी कंबशन होती है, और वो कंबशन होनी होती है स्पार्क के बाद। ठीक है, स्पार्क प्रोड्यूस होगा इग्निशन के थ्रू, जिसके बाद कंबशन होगी, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन। कंबशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिससे इनर्जी रिलीज होगी, जिस एनर्जी को व्हीकल इस्तेमाल करेगी। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि ऑटोमोबाइल में लो टेम्परेचर पे बिफोर स्पार्किंग कंबशन हो जाती है। उस कंबशन की वजह से क्या होता है, शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। दिस प्रोड्यूस आर शार्प मेटेलिक साउंड कॉल्ड नॉकिंग विच ग्रेटली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन। यानी कि वो जो नॉकिंग है उससे इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, रिड्यूस होती है, क्योंकि वो कंप्लीट कंबशन है, दैट इज अ इनकम्प्लीट कंबशन होती है। और नॉकिंग क्यों होती है, कि स्पार्क से पहले कंबशन क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। तो गैसोलीन जो है उसकी क्वालिटी लो है, इसलिए हम नॉकिंग को डिफाइन करते हैं कि नॉकिंग इज शॉर्ट मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन द इंटरनल कंबशन इंजन। के इंजन के अंदर क्या होती है, शॉर्ट मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। कब प्रोड्यूस होती है? बिफोर नॉकिंग, बिफोर स्पार्किंग। स्पार्क से पहले गैसोलीन का इंजन में बर्न हो जाना, इसको हम बोलते हैं कंबशन एट लो टेम्परेचर। के प्रॉपर कंबशन के लिए जो प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर से पहले ही गैसोलीन क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। गैसोलीन का स्पार्क से पहले लो टेम्परेचर पे बर्न हो जाने से क्या होगा, इंजन में शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। और नॉकिंग की वजह है, नॉकिंग इज कॉज्ड बाय द लो ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को एक्सप्रेस करते हैं। कि लो क्वालिटी ऑफ गैसोलीन की वजह से है, लो क्वालिटी ऑफ गैसोलीन का मतलब क्या है, लो ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन की वजह से है। अब उस नॉकिंग का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या है इस नॉकिंग का, नॉइस शोर प्रोड्यूस होगा एंड रफनेस प्रोड्यूस होगा, मैकेनिकल डैमेज प्रोड्यूस हो सकते हैं, कार्बन डिपॉजिट्स होंगे, प्लग के अंदर क्या हो जाएगा, कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा, इंक्रीज इन हीट लॉस ज्यादा होगा, उसके बाद क्या, डिक्रीज इन पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी, और इससे व्हीकल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वो इफेक्ट्स हैं जो नॉकिंग की वजह से क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, और नॉकिंग की वजह क्या है, लो ऑक्टेन नंबर, लो क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। तो इसके लिए इसको अंडरस्टैंड करने की लाजमी है कि हम पहले अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। गैसोलीन की क्वालिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। एज ऑक्टेन नंबर इंक्रीज, जैसे ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा, द इंजन इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। तो नॉकिंग उतनी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब जैसे जैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ता जाएगा, गैसोलीन की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, उसकी लो टेम्परेचर पर कंबशन नहीं होगी, उसकी इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होगी, उसकी प्रॉपर कंबशन होगी। तो जितनी प्रॉपर कंबशन होगी, नॉकिंग उतनी कम होगी। अगर हम चाहते हैं कि इंजन में नॉकिंग कम हो, तो क्या करें, ऐसा गैसोलीन इस्तेमाल करें जिसका ऑक्टेन नंबर क्या है, हाई है, जो हाई क्वालिटी का क्या हो, गैसोलीन हो। इसलिए हम ऑक्टेन नंबर को डिफाइन करते हैं, द नंबर यूज टू एक्सप्रेस क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। के वो नंबर जो क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को एक्सप्रेस करता है, इट इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर।
और ऑक्टेन नंबर के को कौन सी चीज इफेक्ट करती है? कि ऑक्टेन नंबर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन कार्बन चेन लेंथ, कि ऑक्टेन नंबर जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर कम होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होगा कि उसकी प्रॉपर कम्बशन के चांसेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। दूसरा है ऑक्टेन नंबर इंक्रीज विद कार्बन चेन ब्रांचिंग, यानी जितनी स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में कन्वर्ट होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर उसका उतना क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कि यानी कि ऑक्टेन नंबर दो चीजों से हम कर सकते हैं, एक तो ये है कि लो नंबर ऑफ कार्बन हो जिसमें, यानी कि ऐसा गैसोलीन जिसमें कार्बन की चेन की लेंथ क्या होगी, कम होगी, उसका ऑक्टेन नंबर उतना ज्यादा होगा। फिर अब हमारे पास दो गैसोलीन है, एक एक क्या है, एनोक्टेन और आइसोक्टेन है, तो जो आइसोक्टेन है उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा देन एनोक्टेन, इन जितना ब्रांच चेन होगा वो उतना अच्छी क्वालिटी का क्या होगा, उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। अब ऑक्टेन नंबर को इनहांस कैसे किया जा सकता है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमें ये समझ आ गया कि गैसोलीन की क्वालिटी लो होने से क्या होती है, नॉकिंग होती है, कि नॉकिंग की वजह क्या है, लो क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, लो ऑक्टेन नंबर। फिर हम ऑक्टेन नंबर बढ़ा कैसे सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो ब्रांच चेन होगा उसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा, तो पहला तरीका है कि हम ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं बाय रिफार्मिंग, कि ऑक्टेन नंबर को इनहांस करने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड रिफार्मिंग। रिफार्मिंग क्या है, कि आपके पास जो है तो ऑक्टेन गैसोलीन है, आप उस स्ट्रेट चेन को किस में कन्वर्ट कर लें, ब्रांच चेन में, कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैव लो ऑक्टेन नंबर, कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर लो होता है, एंड मेक पोअर फ्यूल, और वो जो फ्यूल बनेगा वो लो क्वालिटी का होगा। एक्सपेरिमेंट हैज शोज दैट आइसोक्टेन, ये इसका जो युपिक नेम है वो क्या है, 2,2,4-ट्राई-मिथाइल-पेंटेन, ये आइसोक्टेन का क्या है, युपिक नॉमेनक्लेचर है, कॉमन नॉमन है आइसोक्टेन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं 2,2,4-ट्राई-मिथाइल-पेंटेन, बर्न वेरी स्मूथली इन इंजन, इंजन में इसकी क्या होगी, प्रॉपर कम्बशन होती है, एंड हैज बीन आर्बिट्रेरी गिवन एज ऑक्टेन नंबर ऑफ 100। और इसे हम क्या करते हैं कि आइसोक्टेन को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, और इसका ऑक्टेन नंबर हम जानबूझ के क्या कहते हैं कि इस ये क्या है, इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, और इसे हम स्टैंडर्ड बना के हम बाकी जो गैसोलीन है उसको इसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करके उनका ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करते हैं। कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि हाउ ऑक्टेन नंबर कैन बी कैलकुलेटेड, कि ऑक्टेन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हम ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करते हैं बाय कंपेयरिंग विद आइसोक्टेन, कि आइसोक्टेन के साथ हम बाकी गैसोलीन को कंपेयर करके उनका ऑक्टेन नंबर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और आइसोक्टेन का हम आर्बिट्रेरी जानबूझ के ऑक्टेन नंबर इसे स्टैंडर्ड बनाते हैं, और इसका ऑक्टेन नंबर हम कितना कंसिडर करते हैं, 100 कंसिडर करते हैं। द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिफार्मिंग, और ऑक्टेन नंबर को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, दैट प्रोसेस हम बोलते हैं रिफार्मिंग। और रिफार्मिंग क्या है, इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, कि हम क्या करते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ब्रांच चेन, है वही ऑक्टेन ही 8 कार्बन वाला, फार्मूला वही है C8H18, लेकिन हमने क्या किया स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर लिया, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, कैसे, बाय हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट हम यूज करते हैं प्लैटिनम, तो प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेंगे, जब हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके प्रॉपर कम्बशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये आगे देखें कि एन ऑक्टेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 258 डिग्री फारेनहाइट है, हम एन ऑक्टेन को हीट करेंगे, हीट करके किस में तब्दील कर लेते हैं, 2,2,4-ट्राई-मिथाइल-पेंटेन आइसोक्टेन में, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 210 होता है, और जो आइसोक्टेन है इसको हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, और इसका ऑक्टेन नंबर हम आर्बिट्रेरी कितना लेते हैं, 100 लेते हैं, और बाकी जितने भी गैसोलीन प्रोडक्ट्स हैं उनको इसके साथ हम क्या करते हैं, आइसोक्टेन को स्टैंडर्ड बना के इसके साथ कंपेयर करके उनका ऑक्टेन नंबर क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतनी आला क्वालिटी का क्या होगा, गैसोलीन होगा। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो हम रेगुलर
पेट्रोल गाड़ियों में डालते हैं जो रेगुलर गैसोलीन यूज करते हैं उसका ऑक्टेन नंबर 87-88 होता है, और इससे जो अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन होगा ठीक है रेगुलर से ठीक है उसका ऑक्टेन नंबर 88-90 होता है, और जो प्रीमियम क्वालिटी का गैसोलीन होता है उसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है 91-94 होता है। ये नीचे भी वो एग्जांपल है कि एन ऑक्टेन को हीट करके हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं 2-4 ट्राई मिथाइल पेंटेन आइसो पेंटेन में, या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आइसो हेक्सेन में भी, लेकिन सबसे हम स्टैंडर्ड किसको बनाते हैं आइसो ऑक्टेन को बनाते हैं। अच्छा दूसरा तरीका है ब्लेंडिंग नॉकिंग को खत्म करने का। एक तो नॉकिंग को खत्म करने का तरीका क्या है कि आप ऑक्टेन नंबर इनहांस कर लें। ऑक्टेन नंबर कैसे इनहांस होगा कि आप स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लें। दूसरा मेथड है ब्लेंडिंग, कि नॉकिंग कैसे खत्म होती है कि आप गाड़ी में एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड कर दें। द ऑक्टेन नंबर ऑफ प्योर फ्यूल कैन आल्सो बी इंप्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग इट विद अ ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सअप कर देंगे विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव लाइक टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड उसके अंदर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे इज एन एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट। यानी दूसरा ऑक्टेन नंबर बढ़ाने का इनहांस करने का जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास क्या ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग है इसमें हम क्या करेंगे हम गैसोलीन के अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट क्या कर देंगे ब्लेंड कर देंगे। हम गैसोलीन में ब्लेंड क्या कर देंगे एंटी नॉकिंग एजेंट जो क्या टेट्रा मिथाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड होता है। लेकिन इसका एक नुकसान है, इस मेथड का हमारे पास एक डिसएडवांटेज है कि बट हैज अ वन सीरियस डिसएडवांटेज कि क्या है इट्स कंबशन के जब इंजन के अंदर गैसोलीन के साथ टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड की क्या होगी कंबशन होगी तो इससे प्रोड्यूस होगा लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटालिक लेड जो वो किस में रिड्यूस हो जाएगा मेटालिक लेड में विच इज डिस्चार्ज इनटू द एयर थ्रू द एग्जॉस्ट पाइप एंड कॉज एयर पोल्यूशन का बायस करता है और ये हमारे ब्रेन को एडवर्सली इफेक्ट करता है। ठीक है इसका नुकसान क्या है कि इट एडवर्सली इफेक्ट आवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को क्या करता है एडवर्सली इफेक्ट करता है। फंक्शंस क्या है एंटी नॉकिंग जो हम एडिटिव यूज करते हैं कि एंटी नॉकिंग फ्यूल एडिटिव रेज ये क्या करता है ऑक्टेन नंबर को क्या कर देगा बढ़ा देगा रेज ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल जिससे ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। जब ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा तो नॉकिंग क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। हायर ऑक्टेन रेटिंग कोरिलेट टू हायर ऑक्टेन नंबर यानी कि ये क्या करता है मैंने आपको शुरू में बताया था कि नॉकिंग की वजह क्या है कि गैसोलीन लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा बर्न हो जाएगा तो ये क्या करते हैं उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा देगा। तो फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी ज्यादा होगी तो वो लो टेम्परेचर पे स्पार्क से पहले बर्न गैसोलीन नहीं होगा इसलिए उसकी इम्प्रॉपर कम्बशन नहीं होगी प्रॉपर कम्बशन होगी। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन सिंस हायर ऑक्टेन नंबर हैव हायर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाती है जिससे क्या होगा कि उस गैसोलीन की इम्प्रॉपर कम्बशन नहीं होगी लो टेम्परेचर पे उसकी कम्बशन नहीं होगी बिफोर स्पार्क उसकी कम्बशन नहीं होगी। और वो हमारे पास कौन कौन से एंटी नॉकिंग एजेंट हैं अभी हमने पढ़ा टेट्रा इथाइल एड या टेट्रा मिथाइल एड है इसके अलावा अदर कौन है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर है 1,2-dibromo इथेन है 1,2-dichloro इथेन है फेरोसिन है तो ये हमारे पास क्या है डिफरेंट एडिटिव हैं जिनको हम एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म हुआ।